Hey guys, welcome back to my channel. This is me Kiran and आज हम लोग करने वाले हैं एक धमाकेदार वीडियो जो कि होने वाला है मैगी चैलेंज और ये हमारा फर्स्ट टाइम है एक दूसरे के साथ कम्पीट करना. हम लोग कभी एक दूसरे के साथ कभी कम्पीट नहीं किया है क्योंकि हमेशा ये जीत जाता है जब भी हम लोग ऐसा कुछ करते हैं. तो आप लोग नोटिस किए होंगे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो भी मुझे डेली देखते हैं तो आप लोग को पता होगा कि मैं एक चैलेंज में हार चुकी थी मेरी नानी माँ से और वो चैलेंज का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा. आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा. सो या मेक श्योर टू चेक इट आउट. आज मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से हारने वाली हूँ. मुझे पता है कि मैं हारने वाली हूँ फिर भी इसके साथ मैं कम्पीट करूँगी तो सोचो प्राउड वाली बात है. तो गाइस आज हम लोग ले रहे हैं बहुत बड़ा सा मैगी. उसमें से हम लोग को सारा खाने तो नहीं देंगे और हमारा पेट भी इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग सारा खा पाएंगे. तो उसमें से दो दो पीसेस ईच हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. ये दो पीस खाएगा मैं दो पीस खाऊंगी. तो वो मैंने कुक कर लिया है अभी नानी माँ हमें सर्व करेगी. उसके बाद हम चैलेंज स्टार्ट करेंगे. टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है मतलब जो जल्दी खा पाएगा वो जीतेगा ऐसा है. जो हारेगा वो पांच मिर्ची खाएगा. ओके देखो ओके हारेगा वो पांच मिर्ची. ओके ये लाल लाल मिर्ची नानी माँ ये पांच मिर्ची खाएगा. ओके गाइस बिल्कुल आइडिया नहीं था मेरे को कि ये ऐसा लेके आएगी. जो हारेगा ये मिर्ची खाएगा और जो जीतेगा ये देखो. ओके ये क्या लेके आई है लाली पातू. उम्र सारी रेड रेड. ओके क्रीम ब्रेड. नानी माँ मुझे खाने नहीं देगी मुझे मिर्ची मुझे पता है और वो मुझे मना की कि मत खा. तो हम लोग का चैलेंज जो था वो लास्ट में जो हारेगा उसको टमाटर खाना पड़ेगा जो कि मुझे टोटली नहीं पसंद. और कच्चा कौन खा पाएगा भाई. कोई कोई होते हैं जिसको कच्चा बहुत पसंद करते हैं जैसे कि ये कच्चा खा लेता है टमाटो पर मुझसे नहीं हो पाता. और ऊपर से इसमें डालना पड़ेगा हमें चिली सॉस और उसके बाद इसको फिनिश करना है. और ये अपना एंजॉय करेगा ये मुझे खाना पड़ेगा ये चिली सॉस दे चुका हूँ खा लो. मैं
खा चुकी हूँ, खाना मैं देखो खाई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।